गंगा मैया की जय। इस वक्त हम संगम की ओर जा रहे हैं। ये हमारे जो चालक है इस नाव की, कितने का? 20 का एक है, 100 का 5 20 का एक दे दे, कह दे बाबू। 50 का 3 ले लो, कम पड़ जाएगा, बहुत चिड़िया एक ले लो। और बोलो, और चाहिए किसी को? जय। ये वाला दूसरा वाला, ये क्या है? मछली खिलाने का। जय हो। ये देना, ये आप दृश्य देख सकते हैं गंगा मैया में। देखिए, हम लोग केवट में हैं। केवट बिल्कुल केवट साहब हमारे साथ हैं। देखो, भगवान राम जी ने उनकी बिल्कुल बिल्कुल सही में। हम आपको पाल लगाएंगे, स्नान दिलाएंगे, कराएंगे, बहुत अच्छा जगह की देंगे, तो वही पाएंगे। जय मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। पंजाब से आप सर? कश्मीर से। कश्मीर से यहाँ पे क्या है? गंगा मैया, यमुना, सरस्वती, तीनों मिलकर क्या होता सर? संगम। संगम वैसे भी आप तीनों मिलकर हुआ संगम, इसको बोलते प्रयागराज संगम। ठीक बोला सर जी? बिल्कुल सही है। एक ही देश लेकिन अलग अलग प्रांत से। हाँ, संगम हो गया ना सर। हाँ, यहाँ पर भी संगम है और यहाँ अच्छा अर्थ निकाला तुम यहाँ। बहुत अच्छा इसका विश्लेषण किया। यही बताते बताते ये गला सूख जाता, उसी का हम लोग इनाम बख्शीश पाते हैं बाबूजी। नहीं, महीने का हम लोग सैलरी पाते यहाँ पे। 12 घंटा ड्यूटी करते, सुबह 5 बजे शाम को 5 बजे तक। ये यमुना नदी है सर, ये वाली ये जिसमें चल रहे हैं, ये यमुना नदी, ये साइड से आती है। दिल्ली, आगरा, वृंदावन, मथुरा होती है। ठीक, गंगा हरिद्वार से, मुरादाबाद से। हेलो, सभी बताएगा, एक एक चीज बता ही पाए, एक साथ तीनों चीज नहीं बताए। हरिद्वार ऋषि के स्थान पूर्व के गंगा, तो पानी में तो हाँ, पानी में अंतर नहीं रहेगा। वो आप उल्टा हमसे पैसा लेके जाए कहाँ था? अभी हम लोग बाबू जी यमुना में चल रहे हैं, तो अभी यमुना का पानी दिखेगा। वहाँ से जाके गंगा आ गई। जहाँ आप लोग स्नान करेंगे वहाँ पे दो धाराएं दिखती है, गंगा यमुना दिखती, सरस्वती लुप्त है। और ये किला है, ये किला सम्राट अशोक जी ने इसका बुनियाद डलाया था, कंप्लीट करा था अकबर बादशाह। इसी में सरस्वती मैया का कुंड है, इसी में पातालपुरी है। पातालपुरी में क्या 44 टेम्पल, 44 मंदिर जो जमीन के नीचे है। ठीक, जमीन के नीचे 44 मंदिर। ऐसी में वट ब्रिज है, वट ब्रिज का नाम सुने हैं आप लोग? वट ब्रिज सुने, जिसको सीता मैया ने लगाया था जब उनको वनवास हुआ था। वही है अक्षय वट ना? हाँ, अक्षय वट। आप वहाँ से जब नहा के आइएगा तो आप लोग का गाड़ी वाला रुका है कि गया? नहीं, फिर जाएगा अपना गाड़ी अलग नहीं, आने जाने का तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, इसी का नहीं। हाँ वही, तो आप यहाँ से जाइएगा, पहला किला घूमिएगा, ये तीनों चीज देख लेना, फिर हनुमान टेम्पल। अभी भीड़ नहीं रहेगा, अभी भीड़ जब यहाँ के लोकल लोग निकलेंगे तब भीड़ बढ़ेगा। अभी कम है भीड़। मैं लाइन तो देखिए, लंबा लाइन तो थी, लाइन लंबा है। अब यही लाइन है, जैसे ये भीड़ आप किनारे हैं, यहाँ के जा रहे हैं तो दर्शन नहीं करेंगे। नहाने के बाद ये दर्शन करना महत्वपूर्ण। कुंभ में तो बहुत रश रहता है। कुंभ में तो इतनी देर से दर्शन कर रहे हो, लाइन लगेंगे 4 बजे दर्शन। मैं तो खैर 15-20 किलोमीटर 25 किलोमीटर तक। बाबू जी, ये त्रिवेणी है, यहाँ पे चमत्कार का लोग पहले नमस्कार करते हैं। थोड़ा चमत्कार को पहले नमस्कार करते हैं। नमस्कार क्या करते हैं? जैसा घूमने वाले भी जाते हैं यहाँ पे, पहला श्री फलनारियल का भेंट करते हैं। जो जोड़ेस आता जोड़ेस करता, जो अकेला आता अकेला। पहला श्री फल नारियल लेके गंगा मैया में डाल के तब स्नान, खाली पाँव नहीं डालते। जैसा मंदिर में जाते आप लोग,
ये जो दीपक लिए हैं ये जब नहाएंगे नहाने के बाद जब रिटर्न चलेंगे तब जला के डालना, ठीक। यहाँ पे कुंभ मेला होता है, मालूम होगा, सबसे बड़ा कुंभ मेला यही होता है। यहाँ महाकुंभ चाहिए, यहाँ महाकुंभ नहीं सर, महाकुंभ 18 वर्ष को, 6 वर्ष पे कुंभ अर्ध कुंभ होता है, 12 वर्ष पे कुंभ मेला, 18 साल पे महाकुंभ मेला। जैसे 4 जगह कुंभ का मेला लगता है, हाँ, तो प्रयागराज में भी मेला लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। तो यहाँ जो है महाकुंभ महाकुंभ अभी 13 हुआ था, फिर 6 वर्ष पे अर्ध कुंभ हुआ, उसको अर्ध कुंभ को महाकुंभ से भी बड़ा बना दिया गया था, इसका जो लीज हुआ था उसको बहुत बड़ा बना दिया गया था। ये सर अपने हिंदू धर्म में सारे तीर्थों का राजा प्रयागराज ऐसे ही नहीं कहलाता, ये अपने हिंदू धर्म में सारे तीर्थों का राजा प्रयागराज। जैसे मुसलमानों में क्या है मैया, मक्का, मक्का मस्जिद, वो लोग जाते सिन्नी चादर चढ़ाते हैं, वैसे हम हिंदुओं में यहाँ पे आते हैं, पहला श्री फल नारियल लेते हैं, गंगा मैया में डाल के फिर स्नान। फल का कीमत होता 100 रुपए, आपको जिसको मालूम होता मार्केट से लाता, जिसको नहीं मालूम होता यहाँ भी मिल जाता है, मिल जाता होता, हाँ, 100 रुपए में 3 नारियल, हल्दी, कुमकुम, अक्षत फूल, पूरा श्रृंगार की थाली 100 रुपए, दान धर्म कोई जोर बंद नहीं, जैसे भगवान जिसको बनाया ये 5 उंगली बराबर नहीं। गंगा बनारस रूट से आई, बनारस रूट से आई इस साइड से, फिर इधर को बनारस होते हुए चली जाएगी, वाराणसी इधर के बाद ही जाएगी, यहाँ से यमुना समाप्त हो जाएगी। अच्छा, जमुना जहाँ समाप्त हो जाएगी, गंगा जी का ही नाम चलेगा, यहाँ से केवल गंगा कहलाती है, और बनारस पहुँचते पहुँचते पंचमुखी गंगा कहलाती है। अगस्त में गए, बहुत हड़ आया हुआ था, तब पानी और घूमना है तो यहाँ पे चले जाना, भरद्वाज आश्रम है। अच्छा, हाँ, भरद्वाज मुनि का नाम सुने ना, उनका आश्रम यहीं पे है, और उसी के ज्येष्ठ बगल में वो है आनंद भवन, आनंद भवन में प्राचीन काल के सारी वस्तुएं वगैरह रखी हुई। चंद्रशेखर आजाद मार्ग, चंद्रशेखर, अब आप संगम की ओर आ रहे हैं, ये है संगम, बहुत खूबसूरत, बहुत अद्भुत दृश्य है ये कितना जबरदस्त दृश्य है, गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम, ये देख लीजिए आप, बहाव में भी उसमें तेजी है, वाओ, देखो कितना अद्भुत दृश्य है। ये संगम है, जय जय गंगा, जमुना, सरस्वती, गंगा और जमुना का मिलन, और सरस्वती बिल्कुल लुप्त है नीचे से, ये देख लीजिए, बहुत सुंदर दृश्य, जय जय माँ, जय माता। हमारे साथ इस नाव में बैठे हैं झारखंड से, पंजाब से, और हम कश्मीर से, अद्भुत संगम यहाँ पर भी है, हाथ अंदर रखिएगा, ज्यादा बाहर मत करिएगा, वीडियो बनने लगा, गंगा कुंड बना है।
हेलो सर जी सर एक इसमें अरे जल भी चले जल अच्छा देखिए इस वक्त हम संगम पर बैठे हैं जहाँ पर गंगा मैया जमुना जी और सरस्वती का संगम है देख सकते हैं दीप जय हो संगम के दर्शन कर लीजिए जहाँ गंगा जी जमुना और सरस्वती माता का संगम है यहाँ पर आप देख सकते हो प्रयागराज में 2022 को मैं इस वक्त प्रयागराज नाव पर बैठा हूँ और इस संगम का अद्भुत दृश्य देख रहा हूँ आप भी दर्शन कर लीजिए जय गंगा मैया जय जमुना मैया जय सरस्वती गंगा यमुना सरस्वती यहाँ पर